सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूँ सबा अंसारी और आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज़। मसीहा टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। भिवंडी में आज शाहीन बाग को हुए 10 दिन। आज भी हजारों की संख्या में महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं। इंसानियत की आहें है शाहीन बाग में, इंसानियत की आहें है शाह। मैं बोलने के बाद आप लोग मुझे रिपीट करिएगा, यही पैगाम हम लोग शाहीन बाग भिवंडी से पूरे हिंदुस्तान को नहीं पूरे वर्ल्ड को देना चाहते हैं। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंकलाब जिंदाबाद। तैनाती के अंदर जिसको डिटेंशन कैंप में भेजना होगा उन लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजेंगे, और CAA कानून के माध्यम से जिन लोगों को नागरिकता दी गई है इनकी प्रॉपर्टी हिंदुओं को देंगे। और समझ लीजिए कानून, इसलिए CAA, NPR और NRC तीनों एक दूसरे के लाजिम और मलजूम है। कोई सरकार अगर यह कहती है कि हम CAA के मुखालिफ नहीं NRC के मुखालिफ है तो यह भी गलत है। हम लोग जो भी है हिंदुस्तान के जो लोग हमारे तमाम लोग इसके खिलाफ है, चाहे NRC हो, चाहे NPR हो, चाहे CAA हो। मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन मैं शाहीन बाग भिवंडी के अंदर भिवंडी शहर के कोने कोने से अभी तक मेरी जिन जो माए जो बहने जो आपा नहीं आई है, मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा, उनके पर उनको बताना चाहूंगा कि सोने का ये वक्त नहीं, जान भी जाओ सोने वालों, सोने का ये वक्त नहीं, जान भी जाओ सोने वालों, वरना हम तो तुमसे ज्यादा टेंस होने वाले। जब तक कोई माँ मेरी बहने नहीं आई है तो उनसे गुजारिश करूंगा कि इसमें हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। एक एक लोगों के अपने मफाद का मसला है। आगे आप लोग तो इंकलाब लाई है, आपके अंदर से इंकलाब बरपा हुआ है, और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे, शाहीन बाग कामयाब होगा, और जलाले आतिश ऊपर और सवाब पैदा कर, जलाले आतिश ऊपर और सहाब पैदा कर, अजर भी ताप उठे और सवाब पैदा कर, जलाले आतिश ऊपर और सहाब पैदा कर, अजर भी ताप उठे वो सवाब पैदा कर। तू इंकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर। इन्हीं बातों के सामने मैं आप रखना चाहता हूँ, क्योंकि आज संविधान बचाओ संघर्ष समिति के जितने एडवोक कमेटी के साथी है, जितने ऑल इंडिया लेडीज ने जितने लोग हैं सब यहाँ पर दिन मेहनत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को कामयाब बना रहे हैं। आखिर में मैं अपनी एक बात यह कहकर संघर्ष समिति के लिए शेयर कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि जिन्हें अपनी बड़ी रहती है वो अपनी बात करते हैं, जिन्हें अपनी बड़ी रहती है वो अपनी बात करते हैं। हमें देखो, हम अपने साथ सबकी बात करते हैं, तुम्हारी बात का हमने बिल्कुल नहीं माना, जो